प्लीज़ बता दो, ना बताया तो मैं वैसे ही पागल हो जाऊँगी। लेकिन बात लंबी है ना, ऑडिटोरियम भी तो जाना है वरना दिमाग खा जाएंगे मिस्ता बिंदा। सिर्फ हेडलाइन ही बता दो। तो हेडलाइन ये है कि आज जब मैं घर से रिहर्सल पे आने के लिए निकल रही थी तो मेरे सामने एक गाड़ी आके रुकी। पूछो किसकी गाड़ी थी? किसकी? अहमद जरियाब साहब की। ना करो, कसम खाओ। कसम से उन्होंने मुझे कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो ये मेकअप वगैरह? वो मुशायरे की रिकॉर्डिंग के लिए टीवी स्टेशन जा रहे थे तो मुझसे कहने लगे कि तुम भी चलो शायरी पढ़ना। उसना तुम और शायरी? हाँ मैं। शायरी छोड़ो, तुमसे तो कोई असाइनमेंट तक पूरा नहीं होता है। तुम शायरा कब से बन गई? आज से। और वैसे भी ये शायरों को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं। वहाँ पे मुझसे भी बड़ी पक्की उम्र की औरतें थीं। अच्छा, शायरी के लिए तो उसना सच्ची सच्ची बताओ, असल बात क्या है? असल बात तो मुझे भी नहीं पता, क्या हुआ, सब कैसे हो गया। जब मुझे समझ में आएगी तो बता दूंगी तुम्हें भी। अरे उसना, तुम टीवी पर आओगी कितने बजे? ये तो अहमद जरियाब साहब ने अभी नहीं बताया ना। डिटेल्स बताएंगे तो बता दूंगी, तुम देख लेना टीवी पे। पक्का बताओगी ना? हाँ हाँ पक्का बताऊंगी। अब चलो, इससे पहले कि टीचर जो है उनके अंदर से ना डायन निकला। चलो सब छोड़ो, तुम टीवी पर आओगी। हाँ अब नजर ना